हेलो गाइस, हाय, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, और देख सकते हैं आज हम सब्जी लाएंगे। पूरा फ्रिज हमारा खाली हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। और आपको पता है आज हमारे घर में क्या बनेगा दोस्तों? ये दिखाते हैं आप लोगों को क्या बनेगा। से इसके पापा का फोन आ लिया है। हे गाइस, सॉरी, मेरे हस्बैंड जी का फोन आ गया था तो मैं उठा ली थी उनका फोन, पहले उनसे बात कर ली हूँ, उसके बाद फिर हम अपना वीडियो ऑन किए हैं दोस्तों। तो ये आ चुके हैं, देख सकते हैं किचन में। आज पता है दोस्तों क्या बनाएंगे? ये बनेगा हमारा, ये देखिए, ये क्या है दोस्तों? ये लोबिया है ना, ये लोबिया है, देख सकते हैं। तो आज हमारे यही बनेगा दोस्तों, रात को आलू में डाल के इसको हम बनाएंगे लोबिया को। ये देखिए, कई दिन हो गया है लाए हुए, 3-4 दिन हो गया है, ये देख सकते हैं। तो हमारे घर में आज बनेगा लोबिया की सब्जी एंड रोटी। और पता है आपको दोस्तों आज क्या बना था हमारे किचन में? ओ, जो भी लोग बिहार से होंगे वो जानते हैं, हम तो बिहार से हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, लेकिन हम बिहारी खाना को नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। आप लोगों को पता है आज क्या बना था हमारे घर में? अब तो है नहीं, शाम का टाइम हो गया, सबने बच्चों ने खा लिए तो खत्म हो जाता है। देखिए क्या बनाए थे हमने। आज बना था हमारे घर में दाल के परांठे, ये देखिए, ये बना था दाल के परांठे आज हमारे घर में। पता है इसमें है ना चने की दाल को उबाल के और ना घोटनी जो होता है घोट के नमक डाल के जीरा से छौंक लगा सकते हैं आप, और उसके बाद इसके अंदर भर के और फिर बना सकते हैं आप। तो हमने ऐसे ही बनाए थे दाल के परांठे दोस्तों। तो खा लिए हैं, 2-3 परा हुआ है, जो कि अभी मेरा बच्चा स्कूल से आने वाला है तो वो खाएगा, तो इसलिए इसको रख देते हैं दोस्तों, अभी ढका हुआ है। और एंड आलू की सब्जी बनाए थे आज, बहुत ही आलू और टमाटर की सब्जी बनाए थे, काफी अच्छा लगा था। पनीर मसाला डाल के बनाए थे दोस्तों, बहुत टेस्टी लगा था। उसके बाद सादे परांठा भी बनाए थे हमने, 3 कोना वाले जो बनते हैं ना, वो वाला परांठे भी बनाए थे हमने। बस अभी थोड़ी देर में आने ही वाला है दोस्तों, बिल्कुल जस्ट बस 15-20 मिनट बाकी है, आने वाला। और देखिए एक पेंटिंग पड़ा हुआ था दोस्तों, तो मैंने इसमें पेंटिंग चिपका दी, ये वाले पेंटिंग देखिए कितनी टॉप की पेंटिंग है, देख सकते हैं। ये देखिए, ये ना मेरा बड़ा लड़का बना रखा है, ये वाला पेंटिंग बनाया है, कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाया, देखिए रंग बिरंग पेंटिंग बनाया, तो मतलब इतनी खूबसूरत सूरत मतलब फेंक दी मैंने बाकी, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। वाओ नाइस, देखिए लड़का लड़की एक पेड़ है, साइड में बैठे हुए हैं देखिए। तो परसों ना कुछ काम कर रहे थे ना, इधर उधर खोज उज रहे थे ना, फिर ना क्या हुआ ये मिला कहीं से, फिर मैं लेके आई, कहाँ रखूँ कहाँ फेंकूँ, फिर मैंने ना अलमारी पे ये मैग्नेट वगैरह छोटे छोटे पीस में रखे हुए थे, देख सकते हैं ये बहुत सारे, तो मैं इसके अंदर लेके और चिपका दिया ऐसे करके यहाँ पे अलमारी के अंदर दोस्तों। तो अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा बेटा पेंटिंग का शौकीन बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा बड़े वाला, और बड़े को देख देख के छोटा भी बनाने लग गया था दोस्तों, खूब सुंदर से वो भी बनाता था पेंटिंग। तो कई सारे पेंटिंग थे, कई तो स्कूल में जमा कर लिए, कई ट्यूशन वाले सर को दिया या अच्छा लग रहा था, सर भी ले लिए थे, बोले मयंक ये वाला हमें दो, तो फिर वो ले लिए थे दोस्तों। तो हम जा रहे हैं सब्जी की तैयारी करने, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का फोन आया था इसलिए, क्योंकि वो हमें बुला रहे हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट से कुछ सामानें लानी है तो इसलिए हमें वहां जाना पड़ेगा। तो उधर से वो आ जाएंगे, इधर से मैं चली जाऊंगी, दोनों मिल जाएंगे रास्ते में, तो फिर सामान जो है ले आएंगे। और सुनाइए दोस्तों, मौसम अभी जाके बहुत दिन के बाद आज ठंडा मौसम है थोड़ा सा दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है आज का मौसम। तो मतलब हवका सा थोड़ा बांध रखा है लेकिन ठीक है, इतना नहीं है, इतना है जो चल सकता है। देखिए हरी मिर्च भी लेकर आए हैं, देखिए हरी मिर्च इसको भी काटना है यहाँ पे, लोबिया की सब्जी और रोटी बनाना है आज हमारे किचन में, यही बनने वाला है। और 2-4 बर्तन है अभी धोना है, उसको धो लेंगे
अभी एक बार मेरा लड़का आ जाता है ना उसके बाद दोस्तों, क्योंकि ना पता है आपको 12 बजे का गया हुआ है, 12:10 पे गया था और शाम को 7:45 आता है ना, तो थोड़ा ना डर सा लगता है बहुत ज़्यादा। जब तक बच्चे आ नहीं लेते ना तो धक 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 सी होती रहती है एकदम से, तो टेंशन हो जाती है दोस्तों। तभी आया नहीं है, वो आ जाएगा उसके बाद, इसलिए हम अपना वीडियो भी शुरू कर दे, थोड़ा वीडियो भी बन जाएगा और फिर हमारा टाइम भी थोड़ा सा पास हो जाएगा। अभी तो बहुत सारे कपड़े भी धोई हूँ और देख सकते तय भी करना है इसको, बाकी इधर जब बारिश आ गई थी ना तो इसलिए ना थोड़ा ले आए थे, तो बाकी देख रहे हैं हम गैलरी में सुखा दिए थे, ये सब गीले है अभी तो पूरे कपड़ा। ये मैं बच्चों को हस्बैंड जी को सबके धो के यहाँ से वहां तक डाल दिए थे और थोड़ी बहुत अभी गीले है, ज्यादा सूख नहीं रखा है दोस्तों, इसके वजह से। चलिए फिर दोस्तों, क्योंकि मुझे ना वीडियो एडिट भी करके और अपलोड भी करना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है ना, जो हम सबसे छुप के चैनल चलाते किसी को पता नहीं है, तो मेरे हस्बैंड जी के आने से पहले ही मुझे थंबनेल का जो पिक होता है वो और वीडियो सब डिलीट करके रखना पड़ता है, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता है मोबाइल में बिल्कुल भी, तो उनसे आने से पहले ही मैं सब कुछ करके फिनिशिंग करके रख देती हूँ। अभी जा रहे एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद है डालेंगे, अपलोड करेंगे, जो भी है सब कुछ कर देंगे, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है ना, अभी फोन किए थे उन्होंने तो इसके वजह से दोस्तों। और देखते हैं कब तक छोरी छिपके से वीडियो बनाते हैं, आप लोग साथ देंगे तो जल्दी सामने आ जाऊंगे उनके। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।